फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आज के ब्लॉग में मैं मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, मेरा मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या करती हूँ मैं। तो चलो, आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग पे बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह सुबह टहल के आ गई। ऐसे मैं आजकल ना ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ टहलने के लिए। हम लोग के घर के जस्ट सामने से ही थोड़ा बहुत टहलती हूँ, क्योंकि माँ अभी नहीं है, गांव गए हुए हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ अकेले। मतलब अकेले जाने का मन भी नहीं करता है। माँ अगर साथ में होता है ना तो बहुत अच्छा होता है टहलने के लिए। और कभी कभी बाबू के साथ भी जाती हूँ। तो आज तो बाबू भी गांव गए हुए हैं तो मम्मी को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसका ब्लॉग पे बने रहिएगा। ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का जो मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या करती हूँ रोज़ सुबह मैं। देखो, सबसे पहले टहल के आने के बाद जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ मेरा रूम पे। और आज ना थोड़ा सा लेट हुआ मुझे उठने के लिए। मतलब रात को नींद नहीं आ रहा था मुझे, बहुत लेट, मतलब लेट नाइट में सोई हूँ और अभी थोड़ा लेट हो गया उठने में। तो अभी बस झाड़ू लगा रही हूँ रूम में, और उसके बाद थोड़ा सा पोछा भी लगाएंगे, झाड़ू पोछा। यही तो सुबह का काम रहता है सबका, जो मतलब जो लोग घर के औरत लोग ही जानते हैं क्या क्या काम रहता है। तो ऐसे भी दीदी तो है, तो उनका भी तबीयत ना थोड़ा ख़राब है। तो आजकल ना मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। पहले तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं रहता था। तो अभी जो है मैं, मतलब मैं मेरा मर्ज़ी से काम करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा ताकि डिलीवरी जो है नॉर्मल में हो जाए। और अभी भी टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो इसीलिए जो है मैं बहुत ही मतलब कुछ कुछ काम कर लेती हूँ, ऐसे पूरा काम नहीं करती हूँ। जैसे भारी वाला चीज़ें नहीं उठाती हूँ, ये सब डॉक्टर ने मना किया है। तो बस नॉर्मल जो भी काम मेरे से होता है बस वो सब काम करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, थोड़ा बहुत पोछा लगाना, खाना वगैरह बनाना, ये सब काम जो है मैं कर लेती हूँ। और जो भारी भरकम काम रहते हैं ना वो दीदी कर लेती है। और अभी जो है रूम को झाड़ू लगा के हो गया फ्रेंड्स, और हॉल में लगाना है झाड़ू। और फ्रेंड्स, आप में से ना ऐसे कुछ कुछ लोग ना हर वीडियो पे कोई ना कोई मतलब कमेंट करते ही है कि मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। मैं एक बार पहले भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग कुछ पूछते नहीं हो और फिर बोलते हो कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो भी कमेंट ज़रूरी होता है ना, जैसे कोई सवाल कुछ पूछता है कोई भी, तो वो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और कोई ऐसा भी है एक दो बंदा, तो मतलब दो तीन बंदा, मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो खाली बस हर वीडियो पे उनका कमेंट यही आएगा कि आप मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। बस हर वीडियो में ना यही मुझे हंसी आता है वो सब कमेंट देख के ना, मतलब क्या ही बोलूँ। मैं तो अभी नाम भी याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। तो ऐसा करने से कैसा हो जाएगा बताओ, क्या रिप्लाई करूँ? आप लोग खाली बोलते हो कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, कुछ पूछने से कुछ पूछ के तो देखो फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई करती हूँ यार, ऐसा मत बोला करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मैं रिप्लाई करती हूँ और आप लोग बोलते हो नहीं करती हूँ। और अभी जो है हॉल को भी मैं झाड़ू लगा चुकी आधा, और अभी जो है सोफा को क्लीन कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरा ना सोफा में ना कवर नहीं लगा हुआ है। देखो, जब बाउल आए थे ना सोफा, तो तभी मैं बोली थी कि मतलब सोफा के लिए वो कवर लाना चाहिए था। तो बाबू बोल रहा था कि इस सोफा के लिए कवर नहीं चाहिए होता है, मतलब नहीं मिलता है सब। तो पता नहीं ऐसा क्यों बोला, मुझे तो पता है कि मिलता होगा। तो बस मैं, मेरा प्लानिंग वही चल रहा है कि सोफा के लिए मैं कवर लाऊंगी अच्छा सा, क्योंकि ना गंदा होने के बाद ना अच्छे से सोफा का जो कवर होता है वो बाद झाड़ लो पोछ लो थोड़ा सा हो जाता है, और धोने को भी अच्छा होता है धोने के लिए। और ये जो है ना सोफा ऐसे क्लीन, मतलब अच्छे से साफ सफाई नहीं होता है ऐसे। तो अभी मैं कपड़ा से कर रही हूँ, और ये जो कपड़ा है ना मतलब ये अच्छे से, मतलब इसी से मैं क्लीन कर रही हूँ, और बीच बीच में मैं इसी से करती हूँ। और सोफा का जब कवर लगाऊंगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बताना ये सोफा के लिए कैसा वाला कवर लूँ, आप लोग कमेंट में बताना। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन में ले लूँ, क्योंकि ना अभी तो मैं मार्केट में भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि और बाबू के बोलूँगी तो उसको मतलब टाइम भी नहीं मिलेगा उनका। और ये सब काम ना जो है लेडीज़ का काम है, तो जेंट्स लोगों को भी मतलब इच्छा भी नहीं होता है उन लोगों को लाने के लिए, तो मुझे ही करना पड़ेगा जो करना है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ऑनलाइन मंगा लूँ। और देखो, अभी जो है मुझे पोछा लगा के मतलब सोफा को भी क्लीन करके हो गया फ्रेंड्स, देखो। और अभी बस हॉल के सामने से थोड़ा झाड़ू लगाऊंगी। और ना पता नहीं हम लोगों का हॉल में ना कितना छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है, बारीक बारीक एकदम, कैसा वाला कीड़ा।
इसलिए दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेती हूँ। और ना यहाँ पे मैं क्लीन करने के बाद मैं ब्रश करने के लिए आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लाल डाबर दांत मंजन से मैं ब्रश करती हूँ, क्योंकि वो कोलगेट का जो खुशबू है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अभी प्रेगनेंसी में। मतलब वो वाला खुशबू अगर मेरे नाक में जाए तो मेरे को बिल्कुल उल्टी हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं बहुत दिन से ना ये जो पाउडर वाला जो दांत मंजन मिलता है ना, बस इसी से ब्रश करती हूँ। देखो इसी वजह से मेरा ब्रश भी लाल है। तो बस यही मुझे इसमें मतलब इससे ब्रश करने से ना कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे, कोई उल्टी वगैरह का फीलिंग्स नहीं आता है अंदर से। और ब्रश वगैरह करने के बाद ना मैं तुरंत आ गई पौधों में पानी डालने के लिए। देखो पपीता का पौधा है, माँ लगा के गए थे गांव जाने से पहले, चार पांच पौधा उधर भी है दूसरा साइड में भी, और इधर मैं सब पौधों में जो है पानी दे रही हूँ, क्योंकि ना अभी का टाइम में ना पानी आता है और मतलब 9, 9:30 बजे तक पानी रहता है हम लोग का टाइम का पानी रहता है। तो इसीलिए इसी टाइम को सुबह के टाइम में पानी बस देती हूँ, शाम को हम लोग पौधों में पानी नहीं देते, बस सुबह ही देती हूँ। और सारा पौधे के देखो साइड में आप लोग दिख रहे हैं ना आप लोगों को कैसा गोबर है वो काला काला, तो ये ना मैं वो पौधा ना यहाँ का मिट्टी ना ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ना मैं वो गोबर ला के देती हूँ तो अच्छे से ताज़ा हो जाता है जहाँ पौधा फूल का पौधा। और देखो यहाँ पे ना एक बादाम का पेड़ हम लोग का घर जस्ट घर के सामने वाला घर का वो बड़ा सा एक बादाम का पेड़ काट दिया। देखो ये बहुत सारा बादाम हुआ है, पता नहीं क्यों काट दिया, कितना बादाम मतलब बादाम हुआ था देखो, मतलब तो एकदम अजीब सा क्यों काट दिया पता नहीं, इतना फल भरा हुआ था मतलब झाड़ों में तो काट दिया क्यों पता नहीं। और अभी मेरा पौधा में वगैरह में पानी डाल के हो गया और मैं इधर रोटी बनाने के लिए आ गई सुबह का नाश्ता। आजकल ना फ्रेंड्स मैं सुबह ना रोटी बना मतलब रोटी खाती हूँ और कुछ सूखा सब्जी या भाजी बस रोटी के साथ। और मैं आजकल सुबह दूध भी नहीं पीती हूँ और चिकन मछली सब कुछ छोड़ दी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ना मना किया है सब खाने के लिए। अभी पहले मुझे बोल रहा था सब कुछ खाओ करके, तो मतलब कुछ चीज़ के लिए ना मुझे डॉक्टर ने पहले मना नहीं किया था जो मैं डॉक्टर दिखा रही हूँ मैम ने, तो अभी जो है ना मुझे सब कुछ खाने के लिए थोड़ा मना किया है कुछ दिन के लिए, तो मैं सब कुछ ब्रेक लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स। और देखो इधर नाश्ता करने के बाद ना ये कल का थोड़ा धुला हुआ कपड़ा था मैं अलमारी में नहीं डाली थी, तो बस वही बस काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और कपड़ा वगैरह अच्छे से फोल्ड करके मैं अलमारी में डाल रही हूँ। और ये सब काम करने के बाद ना फ्रेंड्स मुझे बस नहाना है और बस देखो हो ही रहा है कपड़ा वगैरह फोल्ड करके। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी आप लोग बताना कमेंट पे। तो फ्रेंड्स कपड़ा वगैरह रख के हो गया और मुझे अभी मतलब नहाने का टाइम हो गया, क्योंकि पूजा भी करना है, मम्मी तो है नहीं, पहले माँ रहते थे ना तो माँ पूजा कर लेते थे नहा के सुबह सुबह। और फ्रेंड्स एक बात देखो इधर ना मेरा बाल, आज सुबह सुबह मैं बालों को भी वॉश कर लिया नहाते टाइम, और देखो बाल जो है ना अजीब सा जटीला टाइप का, मतलब ना कैसा जैसे कि बालों पे ना जान नहीं है, बेजान जैसा बाल रहता है ना वैसा टाइप का हो गया। और मैं 8.5 से 9 हज़ार के आसपास मैं खर्चा किया बालों पर, और इतना खर्चा करने के बाद मेरा बालों का रिजल्ट ना सही नहीं हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अजीब सा रफ रफ टाइप का है बाल। देखो आप लोगों को देखने से भी समझ में आ जाएगा, अगर उंगली में अंदर घुसा हूँ ना तो नीचे तक नहीं आता है, अजीब सा कैसा हो गया पता नहीं। और देखो इधर मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब ना आजकल ना मैं जल्दी थोड़ा नहीं नहाती हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह ठंडा अभी ठंडा का भी मौसम आ गया। तो बस पूजा कर लिया मैं, और इधर मैं हम लोग ना दरवाजे पे मतलब इसको आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग तो घाट बोलते हैं, तो हम लोग मतलब हम लोग के अंदर ना मम्मी हमेशा दरवाजे पे लगाते हैं, तो बस वही कर रही हूँ। और ना नहाने के बाद मैं अभी बस पुस्तक वगैरह पढ़ती हूँ इसी टाइम को रोज़। और जो पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ ना इसका नाम है सूलो आसमान, और 2-3 पुस्तक मैं पहले से ख़त्म कर चुकी हूँ, जैसे कि 0 to Hero और 7 रंग के सपने, तो ये सब पुस्तक जो है मैं पढ़ के ख़त्म हो चुका है, और ये वाला मैं 3-4 दिन हुआ है शुरू किया। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो प्लीज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, थैंक यू।